फ्रेंड, मैं रेखा मेहर गार्डन से आपका स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और गार्डनिंग में मस्त होंगे। और क्या कहूँ दोस्तों, आज मैं आपको वहाँ ले चलती हूँ। आज मैं अपना आपको नारंगी प्लांट दिखाऊंगी और उसमें मैं कौन सा फर्टिलाइज़र डालती हूँ और किस तरह मैं उसकी केयर करती हूँ वो सब शेयर करने वाली हूँ। तो ये है मेरा नारंगी का प्लांट और इसका मैंने वीडियो दो वीडियो भी शेयर किए हैं कि किस तरह इनकी केयर की जाती है। तो आज मैं इसको फर्टिलाइज करने वाली थी तो मैंने सोचा चलो आप लोग से भी शेयर कर लेती हूँ कि मैं इसको जब ये फ्लावर देता है तो इसको फर्टिलाइज करने की बहुत आवश्यकता होती है। दोस्तों आप देख रहे हैं कि कितने सारे फ्लावर आए हुए हैं और आपको इसमें कीड़े भी दिख रहे होंगे दोस्तों, पर मैं इसमें अभी नीम ऑयल का स्प्रे नहीं कर रही हूँ और इसमें कैटरपिलर, छोटे छोटे कैटरपिलर भी लग गए हैं, लेकिन नीम ऑयल का मैं स्प्रे करूँगी ना तो ये जो फ्लावर है ना मेरे झड़ जाएंगे और फ्लावर अगर झड़ गए तो फिर फ्रूट नहीं बन पाएंगे। इसलिए मैं इसको ब्रश से या हाथ की सहायता से मैं इसको हटा देती हूँ, कैटरपिलर को ढूंढ ढूंढ के हटाती हूँ, लेकिन अभी भी मैं नीम ऑयल या कोई भी स्प्रे नहीं कर रही हूँ जिससे कि मेरे फ्लावर ना झड़ जाएं। तो इसकी मैं आज केयर बताऊंगी दोस्तों। ये बरसात के मौसम में बहुत अच्छे से फ्लावर करने लगता है। एक बार फ्लावर होने के बाद, फ्रूटिंग होने के बाद मैंने इसको कट कर दिया था और कट के बाद ये न्यू शूट्स आए हैं। और आप जब भी नारंगी प्लांट को लगाएं थोड़ा सा बड़ा गमला दें। ये मेरा टब में लगा, 20 लीटर का टब है जिसमें मैंने ये लगाया हुआ था। तो ये प्लांट तो मैंने ऑनलाइन लिया था पर आपको नर्सरी में 50 रुपए के अब मिल जाएगा। ये देखिए आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे कैटरपिलर, तो मैं इसको हाथ से ही आराम से निकाल दूंगी या फिर मैं इसको ब्रश की सहायता से निकाल देती हूँ, लेकिन मैं अभी इसको नीम ऑयल का स्प्रे नहीं कर रही हूँ। वजह ये है कि मेरे फ्लावर गिरने का मुझे डर है। फ्लावर नहीं होंगे तो पॉलिनेशन नहीं होगा और पॉलिनेशन नहीं हुआ तो दोस्तों फ्रूट नहीं बनते हैं। तो ये मैं इसमें कौन सा फर्टिलाइज़र डालती हूँ, तो इसको हमेशा दोस्तों धूप में रखना चाहिए। आपकी नारंगी प्लांट को हमेशा 4-5 घंटे की आप धूप दें, ये खुली जितनी धूप इसको मिलेगी उतना ही ये अच्छे से फ्रूटिंग करता है। और जब आपकी फ्रूट हो, फ्लावर हो रहे हों दोस्तों, तो आप इसको पानी डालना कम कर दें। अगर ओवर वाटरिंग हुई तो आपके फ्लावर झड़ जाएंगे। ज़्यादा पानी डालने से फ्लावर को झड़ने का डर रहता है और अगर फ्लावर झड़ गए तो फिर फूल नहीं बनते हैं। ये एसिडिक सॉइल पसंद करता है, तो दोस्तों आप कभी कभी इसमें बनाना पील का फर्टिलाइज़र पानी, जो बनाना पील का पानी होता है वो डाल दें, और या फिर इसमें चाय की पत्ती बहुत अच्छी होती है आपको डालना। तो ये इस प्लांट को एसिडिक सॉइल बहुत पसंद है, तो इस प्लांट की केयर बहुत ही आसान होती है। आज मैं इसमें फर्टिलाइज़र देने वाली थी तो ये इसमें मैंने 2 मुट्ठी बर्मी कंपोस्ट लिया, ये मैंने बोन मील ली है और ये आप देख रहे हो ये मैंने अपनी जो सूखी ड्राई सब्जी के छिक्कल होते हैं ना उनसे मैंने ये खाद बनाई है। सारी सब्जियों को छिक्कल को सुखा के पीस लिया है और यहाँ पे मैंने कुछ दाने DAP के लिए हैं और कुछ मैंने ये 1 चम्मच सरसों की खली ली है। तो ये पोटाश युक्त खाद है, इसमें थोड़ी सी मैंने DAP जो यूज़ की है। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप DAP की जगह आप बनाना पील के क्या ड्राई फॉर्म को यूज़ कर सकते हो या फिर आप ऑरेंज पील का ड्राई पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये खाद बहुत अच्छी होती है, तो आज मैं इसको अच्छे से खाद दे दूँगी जिससे कि फ्रूट अच्छे से जाए। तो खाद देने से पहले आपको किनारे से गुड़ाई करना है, आपको जड़ों के बीचों बीच, स्टेम के बीचों बीच कभी भी कोई भी खाद ना डालें दोस्तों।
तो इन सब को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और ये घर का ही ऑर्गेनिक खाद है, बस मैंने इसमें 4-10 दाने DAP के डाले हैं, क्योंकि ये फ्रूट बनाने में बहुत मदद करता है। तो इस तरह से मैं इसमें 20 लीटर की में 2 या 3 मुट्ठी मेरी ये खाद रेडी हो गई है। तो आपको सिर्फ स्टेम जो है ना, उसको उसके पास नहीं डालना है, आपको किनारे से डालना है। आप इसके किनारे किनारे जगह बना के फिर कोई भी आप खाद डालें तो आप कभी भी स्टेम के पास ना डालें, उसको थोड़ा जड़ से दूर डालें। इस तरह से मैं इसको फर्टिलाइज करती हूँ। ये बहुत अच्छी खाद बन के रेडी हो गई है। और आप इसको अच्छे से डालने के बाद दोस्तों, मैं इसको पानी दे दूँगी, और पानी देने के बाद ये बहुत ही अच्छे से फ्लावर करेगा, वो फ्रूट बनाने में हमारी मदद करेगा। तो आप जब भी कोई फ्रूटिंग पे प्लांट आ जाए तो आप उसको खाद जरूर डालें, जिससे कि उसको एनर्जी मिलेगी और एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी, तो वो अच्छे से आपकी खाद डालने से हमारे फ्लावर भी बहुत अच्छे, फ्रूट भी बहुत अच्छे से आएंगे दोस्तों। तो अब मैं इसको पानी डालने के बाद मैं इसको ऐसे ही एड्रेस छोड़ दूँगी। तो इस तरह से मैं अपने नारंगी प्लांट की केयर करती हूँ। और फुल सन में रखना दोस्तों, और अगर फ्रूट बन जाए ना तो फिर आप इस पर समय समय पर नीम ऑयल का स्प्रे करते रहें। मैं इसकी बहुत केयर करती हूँ, क्योंकि जिससे कि कोई भी कैटरपिलर इसमें बहुत जल्दी से, बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा कैटरपिलर लगते हैं। तो इसको आप स्प्रे, अगर फ्लावर पे है तो स्प्रे ना करें, अगर फ्रूट बन गए हैं तो स्प्रे ज़रूर करें। आप इस तरह मैं अपने नारंगी प्लांट की केयर करती हूँ, और ये खाद डालने से आपके फ्रूट बहुत अच्छे से, बहुत ही अच्छे से इसके फ्रूट बनेंगे। तो इस तरह से आप नारंगी प्लांट की केयर करें। ऐसे ही नींबू प्लांट की भी केयर होती है, सेम ऐसे ही, बस इसको थोड़ा सा सन प्रोवाइड करें, पानी कम डालें, और एसिडिक सॉइल पसंद करता है तो समय समय पर आप इसमें चाय की पत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ऑरेंज पील के पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और 1 चम्मच आप इसमें हल्दी भी डाल दें। और ये सब चीज़ डालने से आपके बहुत ही अच्छे से फ्रूटिंग होगी। तो आपको ये मेरी जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपना ध्यान जरूर रखना, और गार्डनिंग में मस्त रहना। बाय बाय।